हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 10, फोर्स वर्क एंड एनर्जी. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, इट्स टाइम टू टेक द प्लैंच. आई कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कॉलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, टू ऑलवेज वेयर मास्क, फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेस, टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स, टू वॉश माई हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थॉरोली विद सोप एंड वाटर. टुगेदर वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट COVID-19. So dear students, today we will discuss the back exercise as well as question answers of chapter number 10. So first we have this, name the type of force. Pushing a chair. अब pushing a chair में body के muscles involved होते हैं, तो pushing a chair में कौन सी force लगती है? Muscular force. A ball falling onto the ground. तो जब एक ball ground पे fall कर रही है तो वो कौन सा force है? Gravitational force. क्योंकि ball ground की तरफ आ रही है, मतलब earth उसको अपनी तरफ attract कर रही है, तो वो gravity का force है. A sledge sliding on ice. तो जब एक sliding जिस force में involved हो, मतलब वो frictional force है. Using a catapult. अब एक catapult क्या होता है? जैसे एक arrow होता है, इसमें इलास्टिक होती है, सो इसीलिए यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी? इलास्टिक फोर्स. नाउ आइडेंटिफाई वेदर द वर्क इज डन और नॉट इन द फॉलोइंग केसेस. मधुलिका इज क्लीनिंग विद ब्रूम. अब मधुलिका ब्रूम की हेल्प से क्लीनिंग कर रही है, तो वो ब्रूम पे फोर्स भी लगा रही है और ब्रूम मूव भी कर रहा है, मतलब वर्क इज डन. क्योंकि वर्क तभी होता है जब आप फोर्स भी लगा रहे हो और जिस चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे होते हो वो डिस्टेंस भी कवर करे. तो रजत इज पुशिंग अ कार, द कार डिड नॉट मूव. तो रजत कार को पुश कर रहा है, मतलब फोर्स तो लगा रहा है, बट कार डिडंट मूव, कार मूव नहीं कर रही. तो अगर वो मूव नहीं कर रही और डिस्टेंस नहीं कवर कर रही तो मतलब नो वर्क इज डन. नाउ मरिया इज हिटिंग अ शटल कॉक विद अ बैडमिंटन रैकेट. अब मरिया क्या कर रही है? वो शटल कॉक को हिट कर रही है बैडमिंटन रैकेट की हेल्प से. अब वो शटल कॉक को हिट भी कर रही है, मतलब फोर्स भी लगा रही है, और शटल कॉक डिस्टेंस भी मूव कर रही है, तो मतलब वर्क इज डन. अफसार इज सिटिंग ऑन अ चेयर. अब अफसार बस चेयर पे बैठा है, तो वो यहाँ पे नो वर्क इज डन. नाउ चेक पॉइंट नंबर 2, स्टे ट्रू और फॉल्स. सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेज दैट मेक वर्क ईजियर. ये ट्रू है. सिंपल मशीन्स क्या होते हैं? ये डिवाइसेज होते हैं जो हमारे वर्क को ईजी बना देते हैं. विंड इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये फॉल्स है, क्योंकि जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है द सन. विंड भी एक एनर्जी का सोर्स है, बट बिगेस्ट सोर्स जो है वो सन है. द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज हाइड्रो एनर्जी. ये फॉल्स है. अर्थ के इनर पार्ट से जो हमें एनर्जी मिलती है वो होती है जियोथर्मल एनर्जी. तो ये फॉल्स है. अ म्यूजिकल प्लेयर कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. ये ट्रू है. एक म्यूजिकल प्लेयर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टेक द करेक्ट आंसर. फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और ऑल ऑफ द अबव. तो फोर्स ये सारी चीज़ें कर सकता है. फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे पड़ा है उसको मूव भी कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. द फोर्स विच एक्ट्स इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड स्लोस और स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो वो फोर्स जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और उसकी स्पीड को स्लो या स्टॉप भी कर सकता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स. वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ बॉय ट्राइज टू मूव अ बॉल, बॉय किक्स अ फुटबॉल, बॉय स्लीप्स, बॉय थिंक्स. तो कहाँ पे वर्क हो रहा है? व्हेन बॉय किक्स अ फुटबॉल, यहाँ पे वर्क हो रहा है. द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज द सन. ये हमने पढ़ा है. द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सारी एनर्जी का सोर्स क्या है? द सन. लीवर इज अ, लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है. सिंपल मशीन्स क्या होते हैं? द डिवाइसेस दैट मेक डूइंग वर्क ईजियर, जो हमारे वर्क को ईजी बना देते हैं. लीवर भी उन्हीं सिंपल मशीन में से एक है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर. डिफाइन फोर्स. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स. तो जब आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पुश या पुल अप्लाई करते हो तो क्या होता है? वो फोर्स होता है.
नाउ नेम एनी टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो तरह की फोर्सेस की आपको नेम बतानी है, आप कोई भी दो लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है हमने फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। डिफाइन सिंपल मशीन, सिंपल मशीन्स क्या होते हैं? सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट मेक डूइंग वर्क ईजियर। सिंपल मशीन डिवाइसेस होते हैं जो हमारे वर्क को ईजी बना देते हैं। What is work? Work क्या होता है? Work is said to be done only when force applied on an object causes it to move through a distance. So work तभी हम बोल सकते हैं कि work हो रहा है when जब वो force आप किसी चीज़ पे apply कर रही हो वो उस object को move कर दे थोड़े से distance तक, तभी बोल सकते हैं कि work हो रहा है। ये work की definition है। Now name any two simple machines. कोई भी दो सिंपल मशीन्स की आपको नेम बतानी है। यहाँ पे हमने लिखा है लीवर एंड पुली। अगर आपको कोई और याद हो तो आप यू कैन राइट दिस। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।